अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अपने अपने घरों में, अपने अपने मुल्कों में सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक हैं, खैरियत से हैं, बहुत अच्छे रोज़े गुजर रहे हैं। थोड़ी सी गर्मी है लेकिन फिर भी वक्त गुजर जाता है और बहुत मज़ा आता है। रमज़ानों में अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें नाजिल होती हैं। और यहाँ पर मैंने सुफरा सेट कर दिया है, उस पर मैं जो हम लोगों ने अफ्तारी करनी है वो सारी चीज़ें रख रही हूँ। सऊदीया में दस्तरखान को सुफरा बोलते हैं और पाकिस्तान में दस्तरखान को दस्तरखान बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं सुफरा और दस्तरखान दोनों ही लगा रही हूँ और साथ में सारी चीज़ें रखती जा रही हूँ। बहुत अच्छे रोज़े गुजर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे, और बहुत सारी चीज़ें हैं, नेमते हैं अल्लाह ताला की जो इस रमज़ान में अल्लाह ताला सबको देगा। बहुत सारी दुआएं कीजिए अपने लिए भी, हमारे लिए भी। उठते चलते फिरते बैठते चीज़ें पढ़ते रहिए और दुआएं करते रहिए। बस यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें सेट कर दी हैं, अज़ान का वेट कर रहे हैं हम लोग। और साथ में मैं शरबत सर्व कर रही हूँ अपने हस्बैंड को। हम दो ही लोग हैं और फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दस्तरखान पे इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं कि बच जाती हैं। तो यहाँ रोज़ा खुल चुका है और मेरे हस्बैंड रोज़ा खोलते ही फ़ौरन शरबत या पानी पीते हैं। मैं फ़ौरन पानी नहीं पीती ना शरबत पीती हूँ, थोड़ी देर में पीती हूँ। पहली कोशिश मेरी यही होती है कि मैं खजूर से खोलूँ, फिर उसके बाद फ्रूट पे आऊँ या समोसे पकौड़ों पे आऊँ। तो बस यहाँ पर हम अफ्तारी कर रहे हैं, उसके बाद हम मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे। तो नमाज़ के बाद मैंने कुछ तस्बीह पढ़ी। अल्लाह ताला रमज़ानों में हर चीज़ जो भी हम पढ़ते हैं उसका डबल सवाब हमें मिलता है, इसलिए आप लोग भी जितनी इबादतें कर सकते हैं रमज़ानों में करें। रोज़े पता ही नहीं चलते, इतनी जल्दी से गुजर जाते हैं। तो नमाज़ पढ़ने के बाद अब मैं किचन में जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। मेरे हस्बैंड तो इतने शौक से नहीं पीते, बस थोड़ी सी चाय पीते हैं। मैं रोज़े के फ़ौरन बाद, रोज़ा खोलने के बाद, नमाज से फारिग होने के बाद चाय ज़रूर पीती हूँ, उससे थोड़ा सा आपका माइंड सेट हो जाता है। तो यहाँ मैं बनाने लगी हूँ अपने और अपने हस्बैंड के लिए चाय। सारी चीज़ें मैंने सेट कर ली हैं, अब मैं रूम में लेके जा रही हूँ ट्रे को और वहाँ बैठ के हम हस्बैंड और वाइफ चाय पियेंगे, डोनट्स खाएंगे।
हमने चाय पीने के बाद एक जगह जाना है। एक फैमिली उम्रे के लिए आई हुई है और काफ़ी दिन से आई हुई है, वो शुरू रमज़ान में ही आ गई थी, लेकिन हम लोग अभी तक उनको मिलने नहीं गए और उनको विश करने नहीं गए, उम्रे की मुबारकबाद देने नहीं गए। तो उसके अभी हमने जाना है चाय पीने के बाद। और ये डोनट्स बहुत मज़े के, बहुत फ्रेश हैं, लेकिन हम लोग मीठा बहुत कम खाते हैं, बहुत ज़्यादा कम खाते हैं। और लेकिन बस लिए आए थे, अच्छे लग रहे थे और इतने कलरफुल्स हैं, तो बस थोड़ा थोड़ा सा, और रोज़े भी हैं तो इस वजह से इनको इतना खाया नहीं जा रहा। और मेरे हस्बैंड तो सिर्फ चाय ही पी रहे हैं और मैं साथ में डोनट्स खा रही हूँ। चाय से फारिग होने के बाद हम जाएंगे मुबारकी के लिए उम्रे की। अब हम लोग जा रहे हैं और रास्ते में से हम ये फ़्लावर शॉप पे रुक गए हैं। यहाँ हमने फ़्लावर्स का ऑर्डर दिया है, मेरे हस्बैंड ने, वो लेकर आ रहे हैं। जब आप कहीं जाते हैं तो कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं, और उम्रे पे आए हैं तो इससे अच्छा तोहफ़ा इस वक्त तो मुझे नहीं लग रहा था। तो ये रेड रोज़ेस आ गए हैं और इतने फ्रेश थे, इनका कलर भी बहुत फ्रेश था और खुशबू भी बहुत गाड़ी में महक गई थी। तो यहाँ पर आप लोगों के साथ मैं ये रोज़ेस खूबसूरत से शेयर कर रही हूँ और अपने ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। अपना और सबका ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।